तो हमने लास्ट वीडियोज में आपको बताया था किस तरीके से आप अपना डाउनलोड करेंगे मोबाइल एक्सेल को। तो हमने अपना मोबाइल एक्सेल डाउनलोड कर लिया हुआ है, यहाँ पे है मेरा एक्सेल, और इसको मैं उठा के लॉक, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। जी हाँ, ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब मुझे इसको ओपन करना है ताकि हम इस पे डेटा वगैरह डाल सकें। इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करते सामने आपके आएगा लॉगिन, आपने कर चुके हैं, अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं आप। अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप क्रिएट नाउ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए। प्लस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ आएगा, और यहाँ पे ब्लैंक देखिए सेव कहाँ हो रहा है, ये सेव हो रहा है वन ड्राइव में। अगर दिस ड्राइव सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका मोबाइल में आपका फाइल सेव होगा, और अगर आप वन ड्राइव करते हैं तो ये आपका इंटरनेट पे जाएगा, किसी मोबाइल में इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप अपना इस मोबाइल का आपका व्यू है। मैं इसको जूम कर सकते हैं, जैसे पिक्चर जूम करते हैं, इसी तरह से जूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इस पे कुछ करना, जैसे कि मैं चाहता हूँ एक नई सीट इंसर्ट करना, तो प्लस पे क्लिक करके सीट इंसर्ट कर सकता हूँ, और नाम कुछ ना सीट का नाम चेंज करना तो डबल क्लिक करके सीट का नाम चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने दे दिया डेटा। उसके बाद यहाँ हमें कुछ लिखना है तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। अब इस पे टाइप करने के लिए ऊपर एफएक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके टाइप करना होगा आपको कि नेम नेम, और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अगले से हमें जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं सिटी। तो इसको ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कर्सर रखने के बाद आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेगा। जी हाँ, अमाउंट इस तरह से आप कर सकते हैं, और आप इसको सेलेक्ट करना है तो नीचे वाला जो राउंड लगा है उसको क्लिक करके नीचे की तरफ आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर, बॉर्डर में मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, तो यहाँ ऑल बॉर्डर है, हमने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें हेडिंग को कलर करना है तो हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया ये, और यहाँ फिल कलर में आए, और हम फिल कलर में आने के बाद यहाँ अपने हिसाब से जो कलर है वो कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है कि आपका जो जो किसी पे क्लिक करोगे तो ये देखिए दो पॉइंट बनेगा, ऊपर जो सर्कल है नीचे सर्कल है। अगर ऊपर सिलेक्शन करना है तो सर्कल को ऊपर ले जाइए, नीचे सिलेक्शन करना है तो सर्कल को नीचे ले जाइए। इस तरह से सर्कल को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके बात की कि कैसे इंटरेक्ट करेंगे आप अपने एक्सेल मोबाइल को। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, या फिर मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, आप सर्च करें एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, आपको यहाँ पे दिख जाएगा मेरा जिसका आईपीटी का लोगो है ये आपको दिख जाएगा। ये हमारा ऐप है, इस ऐप में आपको सारी रिकॉर्डिंग सिक्वेंसली मिलेंगे। थैंक यू।